हाय, अब हम देखेंगे कि अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो किस तरीके से एएलपी कंप्यूट की जाएगी विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड में क्या होता है कि आप अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को माल बेच रहे हो या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो, मतलब कॉस्ट इज अनबायस्ड, राइट? कॉस्ट इज अनबायस्ड, बट आप जिस प्राइस पर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को माल बेच रहे हो दैट इज बायस्ड। तो यहां पर कॉस्ट प्लस मेथड से हम एएलपी कंप्यूट करेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि आपकी कॉस्ट कितनी इंकर्ड हुई है, जो सर्विसेज या जो गुड्स आप बेच रहे हो वहां पर आपकी कॉस्ट कितनी लगी है, उस कॉस्ट में आपका नॉर्मल जीपी, अगर मान लो आप अनरिलेटेड पार्टी को माल बेचते तो आपका जीपी मार्जिन कितना होता, वो जीपी मार्जिन यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। और उसमें जो भी फंक्शनल डिफरेंसेज है एसोसिएटेड और अनरिलेटेड पार्टी के बीच के ट्रांजेक्शन में जो भी फंक्शनल डिफरेंसेज हैं उनका एडजस्टमेंट किया जाएगा, और उसके बाद जो प्राइस आएगी दैट विल बी योर एएलपी। थैंक यू। इसी तरीके की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।